कुंदकेश्वर महादेव के पांच चमत्कारी उपाय जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। एक, अगर किसी व्यक्ति को दवा खाने के बाद भी दवा का असर नहीं हो रहा है तो वह व्यक्ति दवा खाने से पहले हाथ में दवा लेकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके और बाबा से यह विनती करें कि हे बाबा, ये दवा मेरे शरीर को लगे, ऐसा कहकर प्रणाम कर दवा को खा लें। ऐसा करने से दवा का असर अपने आप होना शुरू हो जाएगा। दो, अगर कोई आपको रोग या बीमारी हो और उसके जांच या ऑपरेशन के लिए जाना हो या फिर आपके मन में कोई बड़ी बीमारी होने का डर बना हो तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। इससे होता यह है कि जांच की सभी रिपोर्टें नॉर्मल आती है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होती और जिंदगी में कभी कोई भी भारी रोग नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि कुंदकेश्वर महादेव बीमारी और रोग के मुक्ति के देवता हैं, काल को भी हर लेने वाले हैं। अगर आपका मन अशांत रहता हो तो भी कुंडकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते रहने से मन को शांति मिलती है। तीन, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से रोग से ग्रसित है और वो रोग पीछा ही नहीं छोड़ रहा है तो शंकर भगवान के मंदिर एक लोटा जल और एक बेलपत्र लेकर जाएं। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ध्यान रहे कि बेलपत्र रखते समय बेलपत्र की डंडी का मुख अशोक सुंदरी वाली जगह होना चाहिए। इसके बाद एक लोटा जल धीरे धीरे करके उसी बेलपत्री पर समर्पित करें और अपने मनचाही कामना कहते हुए जहां से जल नीचे गिरता है वहां से थोड़ा सा जल एक पत्र में उठाकर घर ले आएं और उसे जल का आचमन करें। यह उपाय आप रोज करें। इस उपाय से धीरे धीरे करके आपके जो भी रोग या बीमारी हैं वो हमेशा के लिए समाप्त होने लगेगी। चार, अगर किसी व्यक्ति के पेट में बहुत तेज का दर्द हो रहा है तो कुंडकेश्वर महादेव के इस सरल उपाय से दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। आपको करना यह है कि अपने रसोई घर में जहां भी पानी का स्थान हो, यानी जहां पानी का मटका बाल्टी रखा हो या जल का स्रोत हो, वहां खड़े होकर एक कटोरी या गिलास में थोड़ा सा जल लेकर कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए, कम से कम 7 बार। फिर बाबा भोलेनाथ का स्मरण करके जल को उसी व्यक्ति को पिला देना है जिसके पेट में दर्द हो रहा है। 10 से 15 मिनट में दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। 5, अगर कोई व्यक्ति जो लिवर कैंसर, किडनी, सोरासिस, त्वचा रोग या किसी भी अन्य बड़ी बीमारी से पीड़ित है तो वो हर रोज शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके जलधारी से जो जल नीचे गिरता है उस जल को उठाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन करें तो धीरे धीरे करके उसके शरीर के सभी रोग समाप्त होने लगता है। किडनी डायलिसिस भी इस उपाय से बंद हो जाती है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसी ही जानकारी हम हमेशा आपके लिए ला सकें। बाबा भोलेनाथ आपको और आपके परिवार को स्वस्थ बनाए रखें। हर हर महादेव।